रक्षाबंधन के त्यौहार पर यूपी में योगी सरकार की तरफ से महिलाओं और बहनों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। यूपी रोडवेज की तरफ से आज महिलाओं को प्रदेश भर में मुफ्त सफर कराया जा रहा है। यह व्यवस्था 18 अगस्त को रात 12 बजे से 19 अगस्त रात 12 बजे तक लागू रहेगी। इसके लिए 2000 से अधिक अतिरिक्त बसें लगाई गई हैं, साथ ही बसों के फेरे भी बढ़ाए गए हैं। बस कंडक्टर महिलाएं यात्रियों का टिकट तो काटेंगे लेकिन किराया नहीं लेंगे। इसके अलावा सभी बस चालकों और कंडक्टर को वर्दी में रहने और अत्यंत विनम्रता पूर्वक व्यवहार के निर्देश दिए गए। वहीं प्रदेश भर में रक्षाबंधन पर महिलाएं यूपी रोडवेज से फ्री में सफर की सुविधा का लाभ उठा रही हैं। सीएम योगी ने महिलाओं को निःशुल्क यात्रा उपलब्ध कराने के साथ ही उनकी सुविधाओं का भी ख्याल रखा है। इसी क्रम में परिवहन निगम द्वारा सुरक्षित एवं सुगम यात्रा के लिए अतिरिक्त बसों को भी उतारा गया है। महिलाएं इस फ्री बस सेवा का लाभ आज रात 12 बजे तक उठा सकती हैं। वहीं सुविधा के लिए महिलाओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विशेष धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के मौके पर एक भाई की तरह उन्होंने उनकी सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखा है। वैसे फ्री बस यात्रा से काफी खुश है। सुनिए कि युवती ने सीएम योगी को किस प्रकार धन्यवाद दिया। मेरा नाम स्वाति रस्तोगी। कहाँ जा रही हैं आप? मैं जा रही हूँ अपने भाई को राखी बांधने के लिए। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, योगी जी ने बहुत अच्छा सब कुछ किया है। मतलब हर फेस्टिवल्स पे स्पेशली हम बहनों के लिए रक्षाबंधन पे वो फ्री निःशुल्क सेवा देते हैं कि हम लोग बस से जा सके। हम महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और रक्षाबंधन एक बहुत अच्छा त्यौहार है, इसमें भाई को हम लोग राखी बांधते हैं कि वो लोग हम लोग की रक्षा करें और मैं उनकी रक्षा करूं राखी के थ्रू। यहाँ पे देखा जा रहा है बहुत सी मुस्लिम महिलाएं, वो भी जरिए हम अपने भाई को, जो हमारे हिंदू भाई है या जो भाई, उनको भी राखी बांधे। कैसा लग रहा है ये? कैसा मतलब ये त्यौहार ही ऐसा है ना कि इसमें भाई बहन की रक्षा करे और बहन उसकी रक्षा करे भाई की। मतलब ये त्यौहार ही है कि रक्षा का, कि हम लोग एक साथ रहे। और मुस्लिम हिंदू से कुछ होता ही नहीं है, मतलब कुछ नहीं होता है। मतलब मेरा वो भाई है, मैं उसको राखी बांध रही कि इस धागे के थ्रू उसकी रक्षा हो और हम वो भाई हो के हमारी रक्षा करे। ऐसे मैं सबसे कहना चाहती हूँ, जिस तरह राखी सबको बांधते हैं कि रक्षा होती है, तो ऐसे सारे भाई भी सारी बहनों की रक्षा करे, सबको एक समान समझे, सबकी रक्षा करे। रक्षाबंधन ही नहीं, मतलब हर टाइम उनकी रक्षा करे कि वो मेरी बहन है, वो किसी की बेटी होगी, मतलब रक्षा करनी चाहिए। वहीं आगरा की रहने वाली एक महिला ने रक्षाबंधन पर बस में फ्री यात्रा का उपहार देने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अपने विचार कुछ इस तरह व्यक्त किए हैं। मेरा नाम नीलम अग्रवाल है, मैं आगरा से हूँ, मैं होम मेकर हूँ। और ये राखी मेरे भाई योगी जी के लिए है, जिन्होंने अपनी बहनों के लिए सही मायने में भाई का फर्ज निभाया है। उन्होंने रक्षाबंधन पर जो बसों की सुविधा हमको दी है वो बहुत ही सराहनीय है। आज हम कह सकते हैं कि हम सड़कों पर बिल्कुल निडर होकर निकल सकते हैं। और उन्होंने वाकई में एक भाई का दायित्व निभाया कि हम कह सकते हैं कि हम अपने भाई योगी जी की वजह से सुरक्षित हैं। और मैं चाहती हूँ कि वो ये राखी बांधे। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जैसे उन्होंने भाई का फर्ज निभाया, वैसे भी मैं एक बहन की तरह और उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हूँ कि भगवान, जैसे उन्होंने हमारी रक्षा की है, आप उनको लंबी आयु दीजिए ताकि वो हमारी सुरक्षा के लिए ऐसे ही प्रयास करते रहें। धन्यवाद। जानकारी के मुताबिक यात्रियों की भीड़ को देखते हुए बसों के रूट का संचालन किया गया है। इसका मतलब जिन स्थानों पर ज्यादा भीड़ होगी वहाँ अधिक संख्या में बसों को तैनात किया जाएगा। इसके अलावा सभी बस चालक और कंडक्टर को वर्दी में रहने और अत्यंत विनम्रता पूर्वक व्यवहार के निर्देश दिए गए। रक्षाबंधन और यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को देखते हुए 15 दिनों के लिए चालक और कंडक्टर को 3000 रुपये के स्पेशल इंसेंटिव दिए जाएंगे। वर्कशॉप और टेक्निकल स्टाफ को 1200 रुपये तक इंसेंटिव दिए जाएंगे। खैर, रक्षाबंधन पर सीएम योगी द्वारा दिए गए इस उपहार पर महिलाएं धन्यवाद दे रही हैं और फ्री में यात्रा का आनंद उठा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।